अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी सहरी करके मैं लेट गई थी थोड़ी देर, फिर उठी, उसके बाद थोड़ा सा किचन समेटा, उसके बाद दोबारा लेट गई। और अभी यहाँ पर ये सारा सामान फैला हुआ है, मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब हुई है। तो ये सामान फैला हुआ है, ये अशलीना के गिफ्ट्स आए हैं, सबकी डिटेल दूंगी बाद में। अभी जस्ट आप लोगों को अपना घर का नज़ारा दिखा रही हूँ कि जो मेरे घर के हालात हुए हुए हैं इस टाइम पर। वेरी गुड, ये देखें बच्चे कौन सा खेल खेलने, गिलास ख़राब हो जाएंगे सारे। ये देखें ये बच्चों का खेल स्टार्ट हुआ है और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और ये बच्चे उससे खेल रहे हैं जो कि मैंने डिस्पोजेबल गिलास निकाले थे कल शरबत वगैरह के लिए। ये बिस्तर ऐसी पड़ा हुआ है रात से ही, और सब मेहमान मेरे जा चुके हैं और यहाँ का सामान सारा बाहर रखा हुआ है। सुबह मैंने ये काम किया, ये सारे बर्तन मेरे किचन में फैले हुए थे, पूरा किचन फुल भरा हुआ था, फुल लोड। यहाँ पर हर जगह बर्तन ही बर्तन था। और अभी देखें किचन में मैंने लगवाई है न्यू लाइट, ये वाली, तो इससे मेरे किचन में रोशनी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी जस्ट ये बर्तन जो है मेरी सहरी के हैं, इन्हें मैंने वॉश करना है। और ये मेरे बिरयानी का पतीला है जिसमें मैंने बिरयानी खुद कुक की थी। और सारे काम बहुत अच्छे से हो गए, बस एक नुकसान हो गया, ये ना मेरे ये टूट गया है, कटिंग करने का है ये, कोई बात नहीं जुड़ जाएगा। अच्छा, तो ये बर्तन सूख गए हैं अच्छी तरह से, खुश्क हो गए, अब इन्हें मुझे उठाकर रखना है बस, बाकी सब काम हो गए। और ये सारे सेटिंग में करूँगी। इन्हें बाहर के मनाजिर कुछ इस तरह के हैं जो आप लोग देख सकते हैं क्या हालात हुए हैं यहाँ पे। ये देखें सारा सामान मेरा बाहर रखा है। अभी जो ये मेरा डाइनिंग टेबल है ना, कुछ दिन मैं यहीं रखूँगी बाहर, तो देखते हैं रखती भी हूँ और नहीं भी रखती, कुछ पता नहीं है। नहीं भी रखा तो अंदर आ जाएगा, रखा तो आप लोग व्लॉग में देख ही लेंगे। ये देखें बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है, दिखाएं, ये कंप्लीट हो गया है बच्चों का। वो कितना खूबसूरत लग रहा है। पता है मेरे मोबाइल में चार्जिंग बहुत कम है तो टॉर्च ऑन नहीं हो रहा है। मैं लाइट ऑन करके ना फिर दिखाती हूँ, बस मोबाइल भी ऑफ होने वाला है, 2% है तो उसकी टॉर्च ऑन नहीं हो रही है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा लीना, आपको मजा आया कल रोजा रख के? कितना मजा आया आपकी, देखो इयर रिंग खुला हुआ ये वाला। ऐसे उतार दूं? खुल रही है ना आपकी? आपको मैं टॉप स्पिन आ दूंगी, पहले आप देखेंगे कैसे। एक मिनट अभी पहनी रहे, मैं बाद में उतारती हूँ ब्लॉग बंद करके। जबरदस्त, चलें अभी गिलास गंदे नहीं करें भाई। चले ठीक है, मैं ये सारा समेटती हूँ, सब कुछ करती हूँ, इसके बाद मिलते हैं अच्छी तरह से फ्रेश होके जोहर के टाइम नमाज के लिए। वेलकम बैक। और अभी देखें मैं कितनी देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। ये देखें मेरा, पहले तो आप किचन देखें, ये बर्तन सिस्टर के नीचे जाने वाले हैं, बाकी मेरा अपना पूरा किचन सिमट गया है। यहाँ से पूरा घर मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, ये देखें चमकदार हो गया ना बिल्कुल, कितना मैसी हो रहा था। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गई हूँ नहा कर और बिल्कुल साफ रेडी। और यहाँ पर भी दिखा देते हैं आपको रूम में, के रूम में मैंने अभी बस ये टावल यहीं छोड़ दिए, दस्तरखान लगा दिया है, फ्रूट रख दिए हैं, बनाना रखे हैं, और ये देख लें देख लें, ये दोनों ये चीज़ें हैं, ये सारा फ्रूट्स है। और चना चाट जो है वो किचन में रखी हुई है, और पकोड़े जस्ट अभी बना रही हूँ मैं, और बस यही चीज़ें हैं, काफ़ी हैं। बच्चे खाएंगे और हम लोग खा लेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड, हस्बैंड आज लेट हो गए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, तो हस्बैंड आ जाएं तो बस जल्दी से फिर अजान भी हो जाएगी और फिर हम लोग रोज़ इफ्तार करेंगे। और कल की थकान अभी तक गई नहीं है, कल बहुत बहुत थक गई थी और रेस्ट का टाइम मिला नहीं है, आज भी रेस्ट नहीं किया है मैंने, काम में ही लगी हुई थी। अंदर का सारा सिमट गया है, बाहर का भी तकरीबन समेट दिया है। ये देखें ये यहाँ रखा है, ये वॉश होने का रखा है, ये मैंने अभी वॉश नहीं किया है, हेल्पर आएगी ना उससे वॉश करवाऊंगी। और सिस्टर ने कपड़े धोए हैं, और बाकी यहाँ पर मैंने इस तरह से चेयर्स सेट कर दी हैं ताकि फिर सारा काम सिमट जाएगा ना, अंदर से सब हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर हम दोनों मिलके
इसको दोबारा से पहले की तरह ही अपना लाउंज कर लेंगे रेडी। और अभी कैसा लग रहा है खाली है ना, तो चले मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, मिलते हैं कुछ देर बाद। फ्रेंच फ्राइज कटिंग हो गए, मुझे याद आ गया था बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज का कहा था और नहीं बनाती तो बच्चे बहुत रोते, इसलिए मैंने बना दिया। पकोड़े भी बन गए हैं और मेरे फ्राइज भी अब हो रही हैं तैयार। दस्तरखान हमारा रेडी है और आज मैंने जैसा कि बताया था कि रूम में लगाया है, तो ये देखें बच्चे भी खाने के लिए रेडी बैठे हुए हैं और खा रहे हैं। रोज़ा खुल चुका है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह और सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं और अब बस खा रहे हैं।